प्रिंसेस जॉइंट रोबोट की एक बहुत ही बड़े पुल के साथ फाइट थी, लेकिन वो पुल कोई आम पुल नहीं था, वो कई कॉम्पिटिशन जीत चुका था। काफी गुस्से वाला काले रंग का बहुत बड़ा पुल। एट लास्ट चार्ली उस जगह पर पहुंच जाता है और उस पुल के ओनर से यह माउंटेन करता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे $20,000 देने होंगे। तो आगे से वो ओनर कहता है कि जाहिर सी बात है, और अगर तुम हारे तो यही पैसा तुम्हें मुझे देना होगा, सिंपल। अब फाइट शुरू होती है। चार्ली के पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा था, और दूसरी तरफ पुल को तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही उस रोबोट के लिए काफी था। चार्ली शुरू में तो अपने रोबोट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका जरा सा ध्यान हटने पर उसका रोबोट नीचे गिर जाता है। बुल उसके रोबोट को काफी बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। अब चार्ली को टेंशन होने लगती है कि मेरा रोबोट अब कैसे खेलेगा, तो वो साथी से कहता है कि ये मैच दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि नारा, अब तुम्हारा रोबोट कूड़े में जाएगा। और यही होता है, उसका इतना जॉइंट पुल उस रोबोट का कुछ नहीं छोड़ता, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जाहिर सी बात है, चार्ली अब मैच हार चुका था, और उसे वादे के मुताबिक अब $20,000 उसे पुल के ओनर को देने थे। उसके पास तो जरा भी पैसे नहीं थे, तो वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक जगह पर छुप जाता है, तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस औरत के साथ तुम 10 साल पहले रहते थे उसकी डेथ हो चुकी है, और अब तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि 10 साल का है, और वो अब अकेला है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसकी आंट यानी खाला उसे अपने पास रखना चाहती है। अब ये फैसला कोर्ट तुम्हारी इजाजत के बगैर तो नहीं लेने वाली, अब तुम आकर ये बताओ कि क्या तुम्हें अपने बेटे को अपने पास रखना है या तुम अलाउ कर दोगे उसकी आंट को। चार्ली तो पहले ही वहाँ से भागना चाहता था, तो वो फौरन से वहाँ से कोर्ट चला जाता है, जहाँ पर उस बच्चे की आंट कोर्ट में कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, ये जो मांगेगा मैं इसे दूंगी। और फिर वो जाकर चार्ली से रिक्वेस्ट करती है। चार्ली को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेटा जिस मर्सी के पास जाए, क्योंकि उससे कभी मिला जो नहीं था और वो इजाजत देने भी वाला था। लेकिन तभी उसे एक आईडिया आता है, वो कहता है कि मैं ऐसे शो करूंगा जैसे मैं अपने बेटे को उसके आंट के पास नहीं भेजना चाहता, और ऑब्वियसली जितनी वो अमीर है वो मुझे ऑफर तो जरूर करेगी कि इतने पैसों के बदले मुझे ये बच्चा दे दो, जब मुझे ज्यादा सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चे की इजाजत दे दूंगा। और वो ऐसे ही करता है। उस बच्चे के आंट और अंकल चार्ली के साथ टर्न करते हैं कि ठीक है तुम $1,00,000 ले लो, लेकिन अपना बेटा हमें दे दो। चार्ली तो इस बात से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बैठे बिठाए $1,00,000 मिल चुके थे। अब उस बच्चे की आंट चार्ली से कहते हैं, लेकिन हमारी खातिर एक फेवर भी कर देना, इनफैक्ट हमें 3 महीने के लिए कहीं पर जाना है, तो तुम्हें अपना बेटा 3 महीने के लिए अपने पास ही रखना होगा। और कहता है कि कुछ भी हो मैं इस रोबोट को चोर कर ही रहूंगा। और फिर वहाँ से ये दोनों जंक यार्ड जाते हैं ताकि वहाँ से इनको कोई ऐसा सामान मिल सके जिनकी वजह से इसका रोबोट चुर सके। वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और ये लोग उसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे का पांव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगता है। चार्ली फौरन से उसे बचा लेता है। जब वो बच्चा देखता है कि उसका पांव किस चीज से स्लिप हुआ, तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, वो किसी पुराने रोबोट का हाथ था। वो अपने फादर से कहता है कि हम इसको बाहर निकालते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं और बारिश भी हो रही है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि ठीक है मैं खुद ही इसको निकाल लूंगा। उसके बाद वो दोनों चार्ली के एक दोस्त के पास आते हैं जो कि रोबोट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखती थी। चार्ली अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा एक रोबोट लाया है, पता नहीं जंकयार्ड से कौन सा पुराना सा रोबोट उठा लाया है। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप इसको एक बार देखें तो सही, ये बिल्कुल ठीक है। अब चार्ली की दोस्त उसे और ठीक कर देती है जिससे वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। उस रोबोट का नाम एटम था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अनएक्सपेक्टेडली किसी को भी नहीं पता था। चार्ली भी ये देख के खुश हो जाता है, तो अपने बेटे से कहता है कि हम इसे कॉम्पिटिशन में लेकर जाएंगे, एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका। एटम में एक ऐसी अच्छी एबिलिटी थी कि वो चीजों को याद कर लिया करता था, यानी उसे जो भी सिखाया जाता वो फौरन सीख लेता था, उसे चाहे फाइटिंग स्किल सिखाओ या कुछ और दिखाओ उसको कॉपी कर लिया करता था। और अब चार्ली और उसका बेटा इस रोबोट की ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये उस रोबोट से लड़ सके। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब एटम काफी ज्यादा ट्रेंड रोबोट बन जाता है और कई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता है। मजे की बात ये थी कि अब चार्ली और उसका रोबोट यानी एटम कई कॉम्पिटिशन जीतने लगे थे, और इसके लिए चार्ली को कई बार ऑफर होती है कि हमें ये अपना रोबोट बेच दो, चाहे हमसे $2,00,000 ले लो। लेकिन चार्ली का बेटा इस बात पर एग्री नहीं होता था, वो कहता था कि हम और फाइट्स करेंगे और अपने रोबोट्स को ट्रेन करके बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन लड़ेंगे। और जो साथ साथ कॉम्पिटिशन हो रहे हैं इसकी वजह से एटम की काफी अच्छी ट्रेनिंग भी हो रही है, और आज तो एटम का एक और स्ट्रॉन्ग रोबोट से मैच था।
और अब ये फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली के बेटे ने उसे डांस करना भी सिखाया था और वो डांस करते हुए बैटल में एंटर होता है। उसका सामना एक दो सर वाले रोबोट से होता है जो आते ही उस पर काफी भारी पड़ता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। हैटम भी बार बार उस पर अटैक कर रहा था और वो स्ट्रॉन्ग रोबोट भी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पंचेस मारते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो स्ट्रॉन्ग रोबोट जीत जाएगा, लेकिन एट लास्ट हैटम जीत जाता है जिसकी वजह से चार्ली को बहुत खुशी होती है। हमारा मैच आज सीयूस के साथ है, यानी वही स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका। पर हमें एटम को ट्रेन भी तो करना है, तो उसका बेटा खुशी खुशी उसके साथ आ जाता है और उसकी आंट भी उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो हैप्पीली इजाजत दे देती है। तो अब वो दिन आ चुका है जब सीयूस और एटम की फाइटिंग है। सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पिछले कई मैचेस एटम जीत रहा था और आज जिसके साथ उसका मैच था वो सीयूस था, यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट। कई लोग उस पर बिट लगाते हैं। वहाँ पर वो आदमी भी आया था जिसका पुल था। वो कहता है कि एटम हार जाएगा, तो वो भी कई ज्यादा पैसों के बिट लगाता है जो कि उसके मुताबिक उसको वापस मिलने वाले थे। लेकिन किसी को क्या पता क्या क्या होता है। तो अब एंट्री होती है सीयूस की, जो कि काफी खौफनाक एंट्री थी। मैच शुरू होने वाला था। चार्ली और उसका बेटा एक बार तो सीयूस को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें कुछ भी करके जीतना होगा, हम ये कर सकते हैं। उनको बताया जाता है कि इनकी फाइट के 5 राउंड होंगे। तो पहला राउंड होता है शुरू। ये राउंड शुरू होते ही सीयूस फौरन से एटम को एक पंच दे मारता है। एटम बेचारा यहाँ गिर जाता है, लेकिन सीयूस उसे पंच मारे ही जाता है। सीयूस उसे मौका ही नहीं दे रहा था कि वो भी कुछ कर पाता, तो यहाँ पर एटम काफी वीक हो जाता है। अब सीयूस उसके हेड पर शॉट मारता है, यानी उसके सर पर पंच करता है, जिससे बेचारा एटम नीचे गिर जाता है, कोई मूवमेंट नहीं करता। और यहाँ पर पहले राउंड खत्म होने की काउंटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन तभी चार्ली का बेटा चिल्लाता है कि उठो एटम, तुम्हें एक करना होगा। और यहाँ पर एटम में मूवमेंट आती है। एटम फौरन से उठता है और सीयूस को एक जोरदार पंच से मारता है। वहाँ बैठी सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक सीयूस को किसी रोबोट ने ऐसा पंच नहीं मारा था। एटम काफी अच्छा फील करता है और वो सीयूस को और पंचेस मारने लगता है, लेकिन सीयूस को तो आ जाता है गुस्सा कि किसी ने मुझे मारा। वो एटम को इतना मारता है कि उसको मौका ही नहीं मिलता उसे मारने का। दोनों एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं और एटम खुद को डिफेंड भी कर रहा होता है। और यहाँ पे राउंड 1 का टाइम खत्म हो जाता है। चार्ली आकर एटम को ठीक करता है, उसे कूल डाउन करता है और अब राउंड 2 शुरू हो जाता है। दूसरे राउंड में भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन सीयूस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई असर नहीं हो रहा था एटम के पंचेस से। अब सीयूस उसे दोबारा मारने लगता है और एटम नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली उसी वक्त उठ खड़ा होता है जबकि राउंड का टाइम खत्म होने वाला था। थर्ड राउंड में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब 4th राउंड शुरू हो जाता है। एटम रोबोट ने काफी मार खा ली थी, लेकिन चार्ली उसे मुसलसल इनकरेज कर रहा था कि तुम कर सकते हो, और चार्ली का बेटा उससे ज्यादा उसे इनकरेज कर रहा था। तो एटम भी हिम्मत नहीं हारता और सीयूस से लड़ता रहता है। सीयूस एटम को रिंग के कॉर्नर में ले जाता है और उसे इतने पंचेस मारता है कि उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है और एटम काफी डाउन होता है। इससे पहले कि एटम का सिस्टम खराब हो जाता है, बेल बज जाती है और राउंड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। चार्ली फौरन वहाँ पर आता है और एटम में कुछ चेंजेस करता है, उसे ठीक करता है। अब 5th राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो लड़ पाता। तो चार्ली का बेटा अपने फादर को एक आइडिया देता है कि हम जानते हैं कि एटम हमारे एक्शंस को कॉपी करता है, अब उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से लड़ सके, तो क्यों ना आप उसके पास खड़े होकर वैसे एक्शंस करें, तो वो भी आपको कॉपी करने लगेगा। चार्ली कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारे लोग हैं और वो मुझे नोट करेंगे। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप रिंग से बाहर ही रहिएगा, जैसे बाकी ऑडियंस चेयर अप करी होती है आप भी वैसे ही चेयर अप करिएगा, किसी को कोई शक नहीं होता। अब राउंड शुरू होता है, ये फाइनल राउंड था, तो चार्ली भी वैसे एक्शंस करने लगता है और जैसे उनका प्लान था एटम भी उन्हें कॉपी करने लगता है। राउंड शुरू होते ही सीयूस उस पे काफी अटैक करने लगता है, उसे पंचेस मारने लगता है। शुरू में तो एटम खुद को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन मौका देखते ही वो भी आगे से पंच शुरू कर देता है। और अब सीयूस की बैटरी कम होने लगी थी, जिससे वो रुकने लग जाता है, काफी स्लो डाउन हो जाता है। ये देख के चार्ली काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो आसानी से मैं इसे हरा सकूंगा। तो वो पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिसको कॉपी करते हुए एटम भी उस सीयूस पर पंचेस मारने लगता है। सीयूस का ओनर जब ये देखता है तो वो खुद उसे कंट्रोल करने लगता है। उसे बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि सीयूस हार रहा है। दूसरी तरफ चार्ली भी काफी कॉन्फिडेंट था। चार्ली काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगा रहा होता है, जिसको कॉपी करके एटम भी सीयूस पे काफी ज्यादा अटैक करता है। यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि चार्ली एक बहुत अच्छा बॉक्सर था।
लेकिन जब से इस दुनिया में रोबोट्स आए तो बॉक्सर्स का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों ने रोबोट फाइटिंग को प्रेफर किया और अब बॉक्सर्स को कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन जब चार्ली यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट कर रहा होता है तो उसकी दोस्त भी रोने लगती है और उसका बेटा भी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपने बाप पर फखर हो रहा था। वो काफी प्राउड फील कर रहा था कि उसके फादर इतने अच्छे बॉक्सर हैं, इतने अच्छे फाइटर हैं। वो हमेशा से अपने फादर को ऐसा ही देखना चाहता था। ऑडियंस चार्ली को और एडम को चेयर अप करने लगती है। चार्ली को अपने करियर की पुरानी यादें आने लगी थी तो वो काफी दिल से फाइट कर रहा होता है। चार्ली फाइनली एडम के जरिए से उसके चेन पर अटैक करता है। ऐसे एक्शन आज तक किसी ने नहीं किया था। ऐसा करने की वजह से सियोस के सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है मुंह के बल। अब काउंट डाउन शुरू होने लगता है क्योंकि ये फाइनल राउंड था और अगर ज्यूस इस काउंट डाउन के दौरान ना उठता तो फाइनली अब एटम जीत चुका था। लेकिन ज्यूस का ऑनर ऐसा होने दे नहीं सकता था तो वो जैसे तैसे करके उसे दोबारा से खड़ा कर देता है। लेकिन अब एटम को जीतना ही था और उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो ज्यूस के उठते ही उसे फिर से पंच मारने लगता है और काफी ज्यादा अटैक करता है जिससे ज्यूस बेचारा फिर से गिर जाता है। ज्यूस का ऑनर उस समय कंट्रोलर ही तोड़ देता है और अब यहाँ पर ज्यूस की बैटरी बिलो थी, यानी कोई चांस नहीं था कि ज्यूस दोबारा से उठ खड़ा होता। चार्ली को साफ दिख रहा था कि वो और एटम जीत चुके हैं। वो काफी खुश होता है और उसकी दोस्त और उसका बेटा भी उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। अब अनाउंसमेंट होने वाली थी कि असल में विनर कौन है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यूस को विनर बना दिया था। बात भी ठीक थी कि हर राउंड में ज्यूस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, बस आखिरी राउंड में एटम ने उसे हराया। लेकिन इस डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होता। ऑडियंस कहते हैं कि आखिरी राउंड में ही तो फाइट का मजा आया, इतनी लाजवाब फाइटिंग और आपने ज्यूस को जिता दिया। सारे लोग शोर मचाने लगते हैं तो जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि ज्यूस विनर है वो कहते हैं रुके पूरी बात तो सुने, ज्यूस सिर्फ पॉइंट्स की बेस पर जीता लेकिन इस फाइट का चैंपियन है एटम। वहाँ पर एटम को चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। चार्ली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी। ज्यूस अब खत्म हो चुका था इसलिए उसे विनर बनाने का कोई फायदा भी ना होना था। सब लोग काफी खुश होने लगते हैं और चार्ली खुशी में अपने बेटे को गले से लगा लेता है। चार्ली का बेटा अपने डैड से कहता है कि मुझे आप पे प्राउड है और चार्ली भी अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे जो पैसे मिले हैं मैं तुम्हारी आंट को वापस करके तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, मैं अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तो चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे भी आप जैसा बनना है और यहाँ पर ये मूवी हैप्पी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।